ए लीजिए अपना ऑर्डर। समोसे। अरे भैया, समोसे में नमक बहुत ज्यादा है। पाव भाजी में नमक कम है। अरे नखरों की दुकान, सब अपने अपने नखरों की पोटली बनाकर घर निकलो कहे देते हैं। किधर से आए हो? मुंबई के तुम सब नहीं लगते हो। हम लोग फुरफुरी नगर के हैं। तो फुर्र से फुरफुरी नगर उठ जाओ, काहे कि तुमको इतना टेस्टी खाना समझ में नहीं आएगा। अरे टेस्टी खाना समझ में आता है, पर उसकी कमियां तो हम बताएंगे ही ना, क्योंकि पैसे दे रहे हैं, फ्री में थोड़े ही खा रहे हैं। अरे उससे अच्छा खाना तो हमारे फुरफुरी नगर का चाय वाला भैया बना लेगा। अच्छा, इससे अच्छा बना लेगा। बुला लो, कौन है चाय वाला? जरा मुकाबला हो जाए। मेरी ए टू जेड समोसा नंबर वन शॉप नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है। हाँ ऐसा क्या, चलो चलो हो जाए। कल ही चाय वाले की दुकान यहाँ पर खुलेगी और तुमसे अच्छी और हर चीज बना के वो खिलाएगा। हाँ तो फिर ठीक है, हो गया चैलेंज। बुड़ी बाबा, मोटू तुम काहे इतना पंगा ले लिया? कल सुबह तक कोई फ्लाइट नहीं है, चाय वाले को कैसे लाएंगे? अरे मम्मू तू समझा करो, बच्चों की तरफ बिहेव मत करो, वो नहीं आ सकता। अम्मा नहीं नहीं, मुझे चाय वाला चाहिए। बड़े भैया कुछ करो, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। उस दुकान वाले को गोल गोल घुमा के ऐसा पटकू, ऐसा पटकू। झटका जल्दी कुछ करो, वरना कल तक हमारी हड्डी पसली कुछ नहीं बचेगी। यार ये देखो मेरे नए गैजेट, ये ले आएगा तुम्हारे चाय वाले को यारी। हाँ पर भैया सच में, ओए अब बस देखते जाओ यारी। ला 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 ला, ये हो गए चाय और समोसे तैयार। ला 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 ला। सिर्फ गैजेट नहीं यार, ये आया चाय वाले को उसके दुकान के साथ। जय हो, बड़े भैया आपने तो कमाल कर दिया है। चलो यार मिलते हैं चाय वाले से। अरे मोटू पतलू, तुम लोग फुरफुरी नगर कब आए? आओ गर्मा गर्म समोसे खिलाता हूँ। अरे फुरफुरी नगर में यह समंदर कहाँ से आ गया? अरे यह बीच में बीच कहाँ से आ गया? अरे मैं किधर हूँ? अरे मैं सो रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ। अपने आप को छुट्टी काट के देखता हूँ, एक मिनट, मैं तो जाग रहा हूँ भाया। अरे मैं सब बताता हूँ। ऐसा क्या? अरे ये तो फुरफुरी नगर की इज्जत का सवाल है। अब तो मैं एक से एक चीज बनाता हूँ। हाँ अरे वाह क्या खुशबू है। अरे वो देखो, वो खुशबू उस दुकान से आ रही है। चलो चलो चलो, देखते हैं क्या बनाया है। हेलो सुनिए। अरे भैया एक समोसा देना। अरे मुझे चाय देना। और मुझे पाव भाजी। वाह क्या अच्छी स्मेल आ रही है। भैया मुझे भी फटाफट एक चाय और एक समोसा देना। अरे रुकिए रुकिए, सबको मिलेगा। हाँ चलो दोस्तों, ये लो बेटा। लगता है वहाँ बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है। काफी भीड़ भी है, चलो वहाँ। अरे किनारे। अरे वहाँ उधर किसकी दुकान है?
बहुत भीड़ जमा है। भैया जी भैया जी, कल जिसको आपने चैलेंज किया था ना, उसने अपनी दुकान खोल दी है। सब लोग उधर ही भागे जा रहे हैं। हाँ सच्ची, बहुत टेस्टी टेस्टी चीजें बना रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो, तब तो उसकी दुकान को रोकना पड़ेगा। अब तो अपनी इज्जत का सवाल है। अरे रे बेटा बेटा, ये समुद्र में जाने का नहीं रे बाबा, और तुम ध्यान रखो बच्चे का। थैंक यू हवलदार जी। हवलदार साहब, हवलदार साहब सलाम। वो सामने की दुकान वाले हमारे कस्टमर लेके जा रहे हैं, आप जरा देखिए ना। अच्छा देखो तो ऐसा क्या है वहाँ। Yes, अब आएगा मजा। पुलिस इनकी दुकान उखाड़ कर फेंक देगी और इनको इनके घर जाना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? अरे टाइकोंडो जी आप? अरे मोटू जी आप? हाँ, अपने दोस्त की दुकान है, आइए आइए चाय लीजिए। ये लीजिए सर, हमारे दुकान की स्पेशल डिश। अरे वाह क्या चीज बनाई है, आज तक ऐसी डिश नहीं खाई होगी, खाकर मजा आ गया। इसीलिए तुम्हारी शॉप में इतनी भीड़ है बाकी शॉप के मुकाबले। बहुत बढ़िया खाना था, मजा आ गया। चलिए मोटू पतलू जी फिर मिलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, अपना दांव तो उल्टा पड़ गया। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। हाँ, समझ गए पप्पू पहलवान। ये कौन हो तुम लोग, एक दिन में दुकान कहाँ से ले आए? दुकान बंद करो। खबरदार जो हमारी दुकान की तरफ आंख उठा कर भी देखे। हम आंख नहीं उठाते, लाठी उठाते हैं। चलो निकलो यहाँ से। इतने में सिंगमा, इंस्पेक्टर सिंगमा, यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। अम्मा सर, सिर्फ एक ही लाइन लिखी ना। लाओ, जब तक फाइट चल रही है देखें तुम कितना अच्छा खाना बनाते हो। तो समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। एक मिनट। सॉरी भैया जी, ये बहुत अच्छी लड़ाई करते हैं, इससे नहीं लग सकते। ठीक है कोई बात नहीं। भैया जी कोई और फौज भेजना है तो भेज दो, पुलिस चली गई है, लाठी वाले भी चले गए हैं, कोई और बाकी है क्या? अरे 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 गलती हो गई भैया जी, माफ कर दो। कोई बात नहीं, आपका चाय वाला तो इतनी स्वादिष्ट चीजें बनाता है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा, मन कर रहा है कि खाता ही जाऊं। क्यों भाइयों? ये बात तो सही है,
चाय वाले की तो कोई बराबरी नहीं। अब आज से हमें तो दुकान बंद करके जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने चाय वाले भैया को तो सिर्फ चैलेंज पूरा करने के लिए बुलाया था, वो तो आज ही वापस चले जाएंगे। आप लोग भी बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बनाते हो, दुनिया भर से लोग आपका खाना खाने के लिए आते हैं, पर इतना आकार अच्छा नहीं होता। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। हम कभी कभी फुरफुरी नगर आके चाय वाले भैया से स्पेशल डिशेस बनाना सीखेंगे। इस बात पे गर्मा गर्म समोसे हो जाए तो मजा आ जाए। हेलो इंस्पेक्टर पलिता राव। देखो एक बहुत खतरनाक अपराधी मोंटू दादा शहर में आया है। खबर मिली है कि वो विक्टोरिया मेमोरियल के सामने अपने जुड़वा भाई से मिलेगा और दोनों मिलके वो एक खतरनाक साजिश रच रहे हैं। तुम्हें उसको पकड़ना है, लेकिन उसका कोई फोटो हमारे पास नहीं है। तो पकड़ेंगे कैसे? उसका फोटो किसी के पास नहीं है, लेकिन उसके राइट हैंड के हथेली वाला हिस्सा काला है। अच्छा अच्छा, वो मुझे पहचानता है, इसलिए मैं सामने नहीं आऊंगा। तुम लोग एज अ टूरिस्ट यहाँ पे घूमो, वो दिखे तो फौरन मुझे बुला लो। ओके ठीक है इंस्पेक्टर साहब। सीताराम तुम मेरे साथ चलो, हमारे लिए खास काम है। वाशिंगटन तुम अपना गेटअप चेंज करके अलग से जासूसी करो। सब एक साथ घूमोगे ना तो ठीक नहीं होगा। अरे बाबा ठीक है, अरे मेरा जासूसी करने का 20 साल का तजुर्बा है और गेटअप चेंज करने का भी 20 साल का तजुर्बा है। क्या कर रहे हो मोटू? बहुत ध्यान से उसे सब तरफ ढूंढ रहा हूँ। अरे ऐसी ओवर एक्टिंग करके चलोगे तो कोई भी देखकर पहचान लेगा कि कुछ गड़बड़ है। मोटू नॉर्मल चलो, नॉर्मल। मोटू पतलू अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। वेरी गुड। वो देखो वो सस्पिशियस आदमी लग रहा है। चलो अच्छा चलो। अपराधी पकड़ा गया। कहीं मेरा भाई तो पकड़ा नहीं गया? ओह अच्छा है ये मेरा भाई नहीं है। अरे नहीं है। स्टॉप स्टॉप विद नेम ऑफ माय नारियल स्टॉप। ये वो नहीं है, वो तो भाग गया। उड़ी बाबा चुपचाप निकल लो पोल्टू दादा, अभी तुम्हें किसी ने पहचाना नहीं है। तो तुम है क्या हुआ उड़ी बाबा? अरे मुझे
अपराधी समझ के भीड़ ने पीट दिया। अब मुझे अपना गेटअप फिर से चेंज करके जाना पड़ेगा। ओ ठीक है जल्दी से गेटअप चेंज कर लो। अब इस गेटअप से तो मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। अरे मोटू इस बार जोश में उस पे हमला नहीं कर देना, हमें उसे होशियारी से पकड़ के इंस्पेक्टर पलिता राम के हवाले करना है। ओके ओके। नहीं पापा, कोई नहीं देख रहा है। अरे ये लोग तो यही है। उड़ी बाबा कहीं तो समझ के फिर से पीटना दे। वो रहा अपराधी, चुपके से जाके पकड़ लेता हूँ उसे। हाय भैया, अपराधी पकड़ा गया, अपराधी पकड़ा गया रे। अपराधी को आज कल जाना नहीं चाहिए। ये किसके लिए कह रहे हैं कि अपराधी पकड़ा गया? कहीं इस बार सच में मेरा भाई तो नहीं पकड़ा गया? नहीं, मैं इस बार आगे नहीं जाऊंगा। नहीं, नहीं है, हम फिर से किसी और को पीट रहे हैं। अपराधी भाग गया। आप बार बार हमारे बीच में ही कैसे आ जाते हैं? अम्मी जानी ना, क्या पता, सॉरी, लगता है मेरा बैड लक ही खराब है। हेलो, कहाँ हो, कोथा है तुम्हें? यहाँ दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं और बार बार पिटाई मेरी हो रही है। मैं बेश बदल बदल के अपराधी को ढूंढ रहा हूँ और तुम लोग बार बार हमें ही पीट देते हो। अरे सॉरी सॉरी, हमें क्या पता था कि तुम बेश बदल के घूम रहे हो। ओके ओके ठीक है। बड़ी बाबा पतलू, वो देखो वो रहा हमारा अपराधी, उसकी हथेली काली है। मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। आगे मुझे रुको, वो शायद अपने भाई से ही बात कर रहा होगा। चलो देखते हैं उसका भाई है कहाँ। ओ अच्छा, तुम उधर है। मैं तो कब से इधर ही खड़ा है। वो देखो रेड कार में उसके जैसा ही कोई बैठा है, उसका जुड़वा भाई होगा। मोटू तुम उसके भाई को पकड़ो, हम उसे पकड़ते हैं। क्या है? अरे तुम लोग? हाँ हम लोग, लेकिन इस बार कारण दूसरा है। तुम लोग फिर से मुझे ही पीट रहे हो। अब हम लोग असली अपराधी को पीट रहे हैं। मैंने गलती से पीटा था। उल्टू दादा, वो लोग तुम्हें पीट क्यों रहे हैं? हेलो, अब तो ना तुम बचोगे और ना तुम्हारा भाई। अरे बाबा, अरे बाबा, लगता है ये पुलिस का आदमी है। भागो यहाँ से। नहीं बच पाओगे। रुको। अरे अरे क्या करता है? भैया, नहीं छोड़ूंगा रे। कार की छत में कभी फाइट की है? नहीं किया है। तो चलो अभी करते हैं। बुढ़ी बाबा, बुढ़ी दारा, मेरा भाई, आ जाओ आ जाओ। अपराधी इज अंडर अरेस्ट। अरे वो तो दूसरा कहाँ है? वो देखो पकड़ो। भाई, भाई। मोटू मतलब जी, आप लोगों ने इन लोगों को पकड़वा दिया। बहुत बहुत थैंक्स। सीताराम को स्पेशल थैंक्स।
उसकी स्पेशल जासूसी के लिए आए। मैंने अपने 21 साल के तोजुर बने घसीटराम को कभी ऐसी जासूसी करते नहीं देखा है। हम भी अपने 20 साल के तजुर्बा में ऐसा कभी नहीं किया।